हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पासनास किचन। आज हम एक बहुत ही टेस्टी इवनिंग स्नैक बनाने जा रहे हैं जो कि फटाफट भी बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी होता है। इसके लिए मैंने 3 से 4 आलू उबाल लिए हैं, इनको मैंने मैश किया है। इसमें मैंने डाली है 1 से 2 हरी मिर्चें और थोड़ी सी धनिया की पत्ती है जिसको मैंने बारीक काट के डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिलाऊंगी, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। इतनी क्वांटिटी से आराम से आपकी 3 से 4 टिक्कियाँ बन जाएंगी, क्योंकि आलू जो है अगर हम इसको डायरेक्टली फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो हम इसके लिए इसके साथ में लेंगे हम ब्रेड के स्लाइसेस जो कि हम गोल आकार में काट लेंगे टिक्की के शेप के अकॉर्डिंग, और उसके साथ एक साइड हम उसमें ब्रेड को ले लेंगे। ये हमारी टिक्कियाँ बन गई हैं। अब हमने ये ब्रेड लिया है, इसको हम सर्कुलर शेप में काटेंगे। ज़्यादा बहुत गोल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा सर्कुलर होना चाहिए। इसी तरीके से हम बाकी टिक्कियों के लिए भी ब्रेड को लेकर काट लेंगे। अब ये हमारी टिक्कियाँ भी तैयार हैं और साथ में हमने ब्रेड के साइड्स निकाल कर उनके लिए पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब हम इस जो टिक्की और ब्रेड के जो हमने लिया है उसको हम फ्राई करने के पहले हम ये मैदे का एक बैटर सा बनाएंगे जिसमें इसको डिप करेंगे और हम फिर उसके बाद फ्राई करेंगे, तो वो क्रिस्पी भी रहेगा और दोनों अच्छी तरीके से होल्ड हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा मैदा लिया है, उसमें पानी डाला है और नमक डाला है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है आप जैसे पकौड़े की कंसिस्टेंसी होती है उसे हल्का सा आप उसको थिन कर सकते हैं हल्का सा, जिससे कि वो पूरा कवर हो जाए। जैसे आप आलू बंडा बनाते हैं उसकी जो बेसन की कंसिस्टेंसी होती है उस हिसाब से। तो अब हम इसको डिप करेंगे और हम तेल गर्म करने हमने रख दिया है और इसको डिप करके हम डायरेक्टली उसको फ्राई कर देंगे दोनों साइड से। ये मैंने इसको डिप किया है, अब ये तेल गरम है, मीडियम हॉट पे ही रखा है मैंने इसको। इसको हम फ्राई कर रहे हैं, अब बीच में हम चम्मच से थोड़ा सा तेल ऊपर डाल देंगे जिससे कि ऊपर का पोर्शन भी थोड़ा सा फ्राई हो जाए, तब हम इसको पलटें। बहुत ज़्यादा मैंने तेल फ्राइंग के लिए नहीं लिया इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, अगर आप ज़्यादा ऑयल लिया है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम इसको दोनों साइड से फ्राई कर लेते हैं, हल्का सा ब्राउनिश सा हो जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा। देखिए फ्राई हो रहा है, ऑलमोस्ट तैयार है, अच्छी तरीके से तल चुका है ये। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब इसको हम इसके ऊपर हम टोमेटो केचप लगाएंगे, जो नॉर्मल टोमेटो सॉस आता है किसी भी ब्रांड का वो आप लीजिए, और इसको एक साइड इसको पूरा एक साइड से कवर कर दीजिए केचप से। इस केचप को लगाने से इसका टेस्ट एनहेंस हो जाता है, आपको और कोई चटनी या किसी भी चीज़ की साइड डिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बस ऊपर इसको लगा लेंगे और हम इसके ऊपर बुरक देंगे थोड़े से सेव, जो बारीक सेव, नायलॉन सेव जिसको हम कहते हैं, उसको हम गार्निश कर देंगे, और कटी हुई चॉप्ड प्याज लेंगे उसको भी ऊपर से डाल देंगे, और आप इसको बढ़िया गरम गरम खाइए और इन्जॉय करिए शाम के टाइम जब भी भूख लगे। कभी कभार फ्राइड चीज़ें खाने का मन करे तो ये डिश ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे जो भी मैं रेसिपीज़ डालूँगी आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। जब तक हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी न्यू ईयर।